अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन अकेडमी विद अस की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब इस तरह की सिचुएशन आपके पास हो, इस तरह के दो नंबर्स आपको गिवन हो, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बढ़ते हैं आज इस अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो जनाब स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। तो हमारे पास है अंडर रूट फाइव एंड दूसरा नंबर हमारे पास अंडर रूट ऑफ माइनस फाइव, और ये भी यहाँ पे भी माइनस फाइव है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर हमारे पास या ए ऑप्शन आएगा या बी, इसमें से चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आता है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं जनाब, अंडर रूट ऑफ माइनस फाइव एंड अंडर रूट ऑफ माइनस फाइव, दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस, इसको हम इस तरह लिखते हैं जी, फाइव अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय माइनस वन अंडर द रूट, ठीक है। एंड इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जी, अंडर रूट ऑफ फाइव मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ माइनस वन। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं जी, अंडर रूट ऑफ फाइव और अंडर रूट ऑफ माइनस वन, हमेशा के लिए याद रखिएगा स्टूडेंट, ये होता है जी अंडर रूट ऑफ माइनस वन इक्वल होता है आयोटा के, ठीक है, ये होता है आयोटा के इक्वल होता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख देंगे आयोटा, एंड सिमिलरली यहाँ पे अंडर रूट ऑफ फाइव एज इट इज़ और अंडर रूट ऑफ माइनस वन अगेन हम इसको लिखते हैं जी आयोटा के, ठीक है, आयोटा के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस कैन बी रिटन एज आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, एंड इसको हम इस तरह लिख सकते हैं फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव, दिस कैन बी रिटन एज आयोटा को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा स्क्वायर हो जाता है, फाइव को फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है जी ट्वेंटी फाइव अंडर द रूट। एंड यहाँ से हम हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर होता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए माइनस वन के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 25 को अगर आयोटा से बाहर निकाल दें, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन और 25 को अगर रूट से बाहर निकालें तो ये हमारे पास हो जाता है फाइव, ठीक है, क्योंकि फाइव का स्क्वायर होता है स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास फाइव आ जाता है। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस वन इंटू फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव, सो डैट इज़ अवर फाइनल आंसर, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी वीडियो, होप्सो की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।